हेलो दोस्तों, वेलकम टू एच इकोनॉमिक्स क्लासेस। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में आपको मैं एक अलग से तरीके से एक स्पेसिफिक नॉलेज देना चाहूँगा, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं फ्रेंड क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी, और क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी के दो थ्योरी आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ, जिसमें हम क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी QTM एंड रिवेल्ट मतलब प्रेफरेंस थ्योरी यानी कि केंजियन थ्योरी करा चुका हूँ। इन दोनों थ्योरी के बाद कैम्ब्रिज फी थ्योरी करा चुका हूँ। इस थ्योरी में आपको पढ़ना है कि ये जो टोबिन्स का पोर्टफोलियो थ्योरी थी, ये उन तीनों थ्योरीज को क्रिटिसाइज करके एक नया थ्योरी दिया, इवन कि उसी थ्योरी को आगे बढ़ाया, और किस तरह से बढ़ाया मैं आपको समझाता हूँ। फ्रेंड देखिए, हमने लिखा है कि टोबिन्स पोर्टफोलियो अप्रोच, आपको यहां पर यह समझना है कि पोर्टफोलियो होता क्या है, लेकिन इससे पहले आपको मैं बेसिक नॉलेज देना चाहता हूं। फ्रेंड वो कहता है, इंट्रोडक्शन की बात समझ लीजिए, कि किसी भी इकोनॉमी में जो डिमांड फॉर मनी है, डिमांड फॉर मनी आपने क्या देखा क्वांटिटी थ्योरी में या कैम्ब्रिज थ्योरी में, वो कहता है कि किसी मनी की डिमांड कितनी होगी ये किस बात पे डिपेंड करेगी। क्वांटिटी थ्योरी में हमने पढ़ा कि वो मनी सप्लाई पे डिपेंड करेगी, क्यों, क्योंकि क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी यानी कि फिशर थ्योरी, वो कौन सी थ्योरी है, सप्लाई ऑफ मनी थ्योरी है। इसके बाद हमने कैम्ब्रिज थ्योरी पढ़ा, कैम्ब्रिज वाले ये बोलते हैं कि मनी की डिमांड किस लिए होती है, मनी की वैल्यू पर डिपेंड करता है, तो वैल्यू ऑफ मनी की, ठीक है। तीसरा इसके बाद केन्स आता है, वो लिक्विडिटी प्रेफरेंस की बात करता है, कैश की, ये बोलता है कि आदमी को मनी की डिमांड, एक पर्सन कितनी मनी की डिमांड करेगा, ये केवल इंटरेस्ट रेट पर डिपेंड नहीं करेगा, इनकम पर डिपेंड नहीं करेगा, या मनी सप्लाई या मनी की डिमांड पर डिपेंड नहीं करेगा, ये सब पे डिपेंड करेगा। मतलब इसने पूरा तीनों थ्योरी का एक कंबाइंड इफेक्ट दिखाया पोर्टफोलियो अप्रोच में। तो देखो, पोर्टफोलियो को समझने से पहले मैं बताना चाहता हूं कि डिमांड फॉर मनी क्या है। ये कहता है होल्डिंग ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स। तो फाइनेंशियल एसेट्स क्या होता है फ्रेंड, जो फाइनेंशियल एसेट होता है उसे बोलते हैं हम कैश या बैंक डिपॉजिट, या आप रिजर्व करते हैं, एफडी लेते हैं, कुछ भी करते हैं। कहने का मतलब है कि जितना पैसा है आपके पास, गोल्ड हो, बॉन्ड्स हो, ठीक है, कैश हो, ये सब क्या है आपका, ये सब आपको मनी की डिमांड है। भाई आपको कैश रखने के लिए कुछ डिमांड चाहिए, कुछ रिजर्व रखने के लिए डिमांड चाहिए, कुछ पैसा चाहिए आपको LIC की पॉलिसी लेने के लिए, कुछ पैसा चाहिए आपको बॉन्ड्स खरीदने के लिए। तो जितनी भी मनी की डिमांड है वो पूरी मनी की डिमांड करता है, ठीक है। अब इन्होंने क्या किया है, टोबिन सर ने दो तरह की मनी की बात किया। एक बोलता है कि नैरो मनी होती है, नैरो मनी वो होती है जो भैया हमें इंटरेस्ट नहीं देती, नॉन इंटरेस्ट होल्डिंग, जैसे हमने M1 पढ़ा था, M1, M2, M3, तो M1 को मैंने नैरो मनी बनाया था। नैरो मनी का मतलब होता है कि जो कैश है प्लस जो आपका डिमांड डिपॉजिट है प्लस RBI के पास जो और डिपॉजिट है। तो हमने इस नैरो मनी में M1 में हम क्या करते हैं, टाइम डिपॉजिट या फिक्स डिपॉजिट की तो बात करते नहीं हैं, तो उसमें कोई हमें इंटरेस्ट रेट नहीं मिलता है। तो यानी कि एक नया टर्म आपको सीखने को मिलेगा कि नैरो मनी वो मनी होती है जहां पर नॉन इंटरेस्ट पेमेंट, हमें कोई इंटरेस्ट मिलते नहीं मिलता है, तो नॉन इंटरेस्ट रेट होल्डिंग मनी हो गई वो। दूसरा होता है ब्रॉड मनी, ब्रॉड मनी वो मनी होती है जैसे हम फिक्स डिपॉजिट भी इंक्लूड कर लेते हैं, पोस्ट ऑफिस की डिपॉजिट इंक्लूड कर लेते हैं, तो सारा पैसा इंक्लूड करते हैं, जैसे हाई पावर्ड मनी भी बोलते हैं। तो इसका मतलब होता है कि इस पे हमें इंटरेस्ट मिलता है, जब इस चीज पे हमें इंटरेस्ट मिलता है तो उसे बोलते हैं हम ब्रॉड मनी। तो दो चीज समझना फ्रेंड, अगर आपने नैरो मनी है तो इसका मतलब आपने सिर्फ अपने पास कैश रखा है, मतलब आपको कोई रिटर्न नहीं आ रहा है, और अगर आप नैरो ब्राउन मनी की बात करें, मतलब आपके पास पैसा रिटर्न आ रहा है, कुछ इंटरेस्ट मिल रहा है आपको, ठीक है। ये दो चीज हमको समझ आ गया होगा। अब बताता हूं कि मनी एज ए स्टोर ऑफ वैल्यू आर कॉल्ड द पोर्टफोलियो।
आप बोलेंगे सर आपने क्या बोल दिया, मैंने कहा कि स्टोर ऑफ वैल्यू, ठीक, स्टोर ऑफ वैल्यू मतलब आपने अपने पैसे को किसी चीज में स्टोर कर दिया, जैसे आपने बॉन्ड्स खरीद लिया, आपने कुछ गोल्ड्स खरीद लिया, कुछ कैश रख लिया, कुछ रिजर्व कर दिया, तो ये सब पैसा आपने कहीं ना कहीं लगा दिया, ठीक है। जब आपने पैसा लगा दिया तो आपने क्या किया, आपने एक एसेट्स क्रिएट कर दिया, ठीक, गोल्ड खरीद लिया एसेट्स, बॉन्ड खरीद लिया एसेट्स आपका, तो आपने एसेट्स खरीद के लिया, तो यानी कि आपने अपने पैसे को, मनी की वैल्यू को, यानी कि आपने पैसे को क्या किया, एक जगह आपने स्टोर कर दिया। जो स्टोर करते हैं उसे बोलते हैं एसेट्स, और जो एसेट्स होता है उसी को बोलते हैं पोर्टफोलियो। तो पोर्टफोलियो एसेट का मतलब ही होता है कि आपने पैसे को कहीं पर इन्वेस्टमेंट कर दिया है, ठीक है। अच्छा, ये दो बातें समझ में आ गई, नैरो बनी, ब्रॉड बनी, पोर्टफोलियो समझ में आ गया। अब तीसरी बात समझाता हूँ आपको फ्रेंड, देखो आप पैसा बैंक में रखेंगे, यानी कि आप फिक्स डिपॉजिट करेंगे या कुछ करेंगे, तो आपको जो रिटर्न्स मिलेगा, मिलेगा, अच्छा रिटर्न्स तो दो चीज़ है कि अगर पोर्टफोलियो में पैसा रखेंगे आप तो दो चीज़ मिलेगा, या तो आपको रिटर्न्स मिलेगा, कुछ आपको इंटरेस्ट मिलेगा, आप एफडी कर दीजिए, आप एलआईसी की पॉलिसी लीजिए, आप म्यूचुअल फंड में पैसा लगा दीजिए, आपको रिटर्न मिलेगा, लेकिन उसमें क्या है फ्रेंड्स, रिस्क है। अगर दो चीज़ आएगी पोर्टफोलियो के साथ, एक होता है रिटर्न, एक होता है रिस्क। अब आप ज़्यादा रिस्क लेंगे तो ज़्यादा रिटर्न आएगा, और रिस्क नहीं लेंगे तो कोई रिटर्न नहीं आएगा। आप अपने पैसे को अपने पास कैश रखिए, आपको कोई इंटरेस्ट मिलेगा। अगर आप अपने पैसे को आप रिस्क पे, बॉन्ड में, म्यूचुअल फंड में कहीं लगाते हैं, आपको रिस्क रिटर्न आएगा। तो कहते हैं नो पेन नो गेन, तो फ्रेंड यही बात है कि अगर आप रिस्क लेते हैं तो रिटर्न आएगा। तो क्लियर है। अच्छा एक चीज़ और बताता हूँ फ्रेंड, रेशनल बिहेवियर क्या होता है, आदमी सोचता क्या है यार, भाई पैसा है तुम्हारे पास तो करोगे क्या, तो आदमी सोचता क्या है। यहाँ पर टोबिन कहता है कि आदमी सोचता क्या है, या तो भैया कैश रखेगा, उसे पता कि कैश रखेंगे तो कोई रिस्क नहीं है, हमारा पैसा कहीं जा नहीं रहा, नो रिस्क मतलब, लेकिन रिस्क नहीं है, लेकिन आपकी जीरो इनकम है, आपको कुछ नहीं मिलेगा, आपका रिटर्न्स क्या है, जीरो है, नो रिस्क नो गेन, ओके। फिर बात करते हैं, अगर आपने रिस्क लिया फ्रेंड्स, आपने रिस्क लिया, तो जो रिस्की है, जहां पर रिस्की है वहां पर आपको बॉन्ड्स है, ये रिस्की है, और लेकिन इस पे आपको क्या मिला है, इंटरेस्ट मिलेगा। तो जो वहां पर आपकी अर्निंग है वहां पर आपको रिस्क तो लेना पड़ेगा। तो ये फ्रेंड कहता है कि जो ह्यूमन बिहेव होता है, जो मार्केट के जो इन्वेस्टर होता है, वो क्या करता है, वो देखता है कि रिस्क लेना जरूरी है या नहीं है, ठीक है। अब आपको मैं बताऊंगी कि रिस्क कब लेगा, क्यों लेगा, ये सब आपको हम अभी बताते हैं। अब देखिए फ्रेंड, दो तरह के पोर्टफोलियो होते हैं, इंडिविजुअल पोर्टफोलियो, अगर मैं आपकी पोर्टफोलियो की बात करूं, हो सकता है आप माइजर हो सकता है आप बड़ा रिस्की हो सकता है आपकी इनकम बहुत कम आती हो, तो बड़ा सोच समझ के चलते हो, एक आदमी है जो उसके बाद पैसा ही पैसा है तो रिस्क लेता है, ठीक है। तो डिपेंड करता है आदमी का इंडिविजुअल बिहेव क्या होता है। अच्छा, इंडिविजुअल बिहेव में हम पढ़ रहे हैं एटीट्यूड की बात कर रहे हैं। एटीट्यूड का मतलब होता है कि आप रिस्क लेना चाहते हैं या नहीं चाहते हैं। अब रिस्क अवर्जन क्या होता है फ्रेंड, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको समझ लेना। रिस्क अवर्जन क्या होता है, रिस्क उठाने के जोखिम लेना चाहते हैं, जोखिम नहीं लेना चाहते। अगर आप जोखिम लेंगे तो हो सकता रिटर्न आए, कुछ ज्यादा पैसा मिल जाए, और हो सकता है कि रिस्क लेने के बाद भी आपका पैसा डूब जाए, ओके। तो यानी कि ये कहना चाहता है कि जो रिस्क अवर्जन है वो दो बातें पे डिपेंड करेगा कि फ्यूचर में आपको इंटरेस्ट रेट कितना मिल रहा है। भाई मैं बोलाऊँ कि चलो मैं 2 साल बाद आपको आपके पैसे का 20-50% दूंगा, तो एक बार आप सोचोगे कि यार रिस्क लिया जा सकता है,
आज अपने बेटे की शादी रोक दिया, बच्चों की शादी रोक दिया, एजुकेशन रोक दिया, इंपॉर्टेंट काम रोक करके अपना कैश उठा के दे देंगे, चाहे आप मिसेज की या अगर आप मैरिड है तो आप मिस मतलब गहने बेच के दे देंगे, अदरवाइज रिस्क क्यों, क्योंकि आपको लालच आ गई, इंटरेस्ट ज़्यादा मिल रहा है। ओके, तो अगर फ्यूचर का इंटरेस्ट ज़्यादा मिल रहा है, मार्केट बूम कर रहा है, तो आप रिस्क लेंगे। दूसरा चीज, एक्सपेक्टेशन इन्फ्लेशन। एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन क्या होती है, आपको बताए हैं कि मार्केट में कितनी महंगाई बढ़ेगी। आपको पता है कि जब एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन ज़्यादा होती है तो रिस्क, तो हमारा क्या होता है, रिटर्न्स कम आता है, और अगर एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन कम होती है तो रिटर्न हमारा ज़्यादा आता है। तो यानी कि मार्केट में जो रिस्क लेने का सिचुएशन है, दो बातों पे डिपेंड करती है। वो कहता है कि फ्यूचर में इंटरेस्ट रेट क्या मिलेगा और फ्यूचर में हमारी एक्सपेक्टेशन एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन कितना होगा। ठीक है, अच्छा, ये दो चीज़ समझिए। तो यानी कि आप पैसा कब मार्केट में लगाएंगे, ये आप दो चीज़ सोचेंगे कि मार्केट में भैया महंगाई कितनी होगी क्या, और दूसरी बात कि हमें कितना रिटर्न आएगा। तो दोनों आपके सामने एक्सपेक्टेड है। ओके, एक्सपेक्टेड है, ठीक है। तीसरा चीज लेते हैं कि आपको पहले बता चुका हूं कि लेस रिस्क लेंगे तो लेस प्रोडक्टिविटी। आपके पैसे प्रोडक्टिव है, आपका पैसा प्रोडक्टिव है या अनप्रोडक्टिव है। आप अपने पैसे को घर पर रख दीजिए तो अनप्रोडक्टिव है, और उसी पैसे को आपने बैंक में लगा दिया तो वो प्रोडक्टिव है। तो आप अपने पैसे को प्रोडक्टिव बनाने के लिए आपको मोर रिस्क लेना पड़ेगा। ज़्यादा रिस्क लेंगे फ्रेंड तो ज़्यादा प्रोडक्टिविटी आएगी, और अगर आपने लेस रिस्क लेंगे तो लेस प्रोडक्टिविटी आएगी। दो चीज़ यहाँ पर ये कहना चाहता है कि अगर प्रोडक्ट, ठीक है, नो केन नो पेन नो गेन, यही वाली बात है। ठीक है, अच्छा, दो से समझ गए। अब फ्रेंड मैं आपके मेन पॉइंट पे आता हूँ। हम आपको बताना चाहते हैं कि टोबिन्स कहना क्या चाहता है, कि टोबिन कहना चाहता है कि भैया आप लिक्विड रखेंगे अपने पास या नहीं रखेंगे, कई बातों पर डिपेंड करता है भाई। वो डिपेंड कर रहा है आपके इंटरेस्ट रेट पे, एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन पे, आपकी इनकम पे, मार्केट की सिचुएशन पे डिपेंड करता है। तो कहता है कि आदमी पोर्टफोलियो रखेगा, वो लिक्विड रखेगा, ये किस बात पे डिपेंड करेगा। तो उन्होंने एक डिमांड फंक्शन बना दिया। क्या बना दिया? डिमांड फंक्शन। उसने बोला कि मनी की डिमांड किस पे डिपेंड करेंगे, यानी कि आपके पास स्टोर ऑफ वैल्यू यानी कि एसेट्स किस पर डिपेंड करेगा, वो तीन चीज़ें पर डिपेंड करेगा। तो फ्रेंड इसको पढ़े थे एम अपान पी, पढ़े थे रियल मनी बैलेंस, यानी कि आपके पैसे की इन फ्यूचर में वैल्यू कितनी रहेगी, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है, क्यों, क्योंकि अच्छा, लेकिन ये रियल मार्केट वैल्यू यानी कि मनी की डिमांड कई बातों पर डिपेंड करेगी। एक होता है कि एक्सपेक्टेड आरएस हमने लिया हुआ है, द एक्सपेक्टेड रियल रिटर्न्स ऑफ स्टॉक, कि आपके पास जो स्टॉक है, जो बॉन्ड्स खरीद कोई चीज़ रखे हैं, उसका आपके फ्यूचर में कितना आपको एक्सपेक्टेड रियल इंटरेस्ट मिलेगा। दूसरा होता है एक्सपेक्टेड रियल रिटर्न ऑफ बॉन्ड्स, कि आप कोई बॉन्ड्स खरीदते हैं उस पर कितना फ्यूचर में आपको रिटर्न्स आएगा। तीसरा होता है एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन, कि मार्केट में आपको महंगाई कितनी है। तीसरा होता है वेल्थ, आपके पास वेल्थ कितनी है। तो यानी कि आपकी मनी की डिमांड, यानी कि कुछ पैसा, ये पैसा कहाँ लगाएंगे, मनी की डिमांड कितनी, इस फंक्शन पर डिपेंड करता है फ्रेंड। अब इन तीनों चीज़ों को, इस फंक्शन को मैं पहले समझाता हूँ डेप्थ में। ठीक है, देखिए, हमने आपको पढ़ाया था फ्रेंड कीन्जियन डिमांड थ्योरी। जो कीन्जियन डिमांड थ्योरी थी वो ये दिखाती थी कि आपने पढ़ा था लिक्विडिटी स्पेकुलेटिव मोटिव, बढ़ाए थे आपको स्पेकुलेटिव मोटिव। तो उसमें ये बताए थे कि फ्रेंड अगर मार्केट में इंटरेस्ट रेट ज़्यादा रहेगा, जब आपके पास इंटरेस्ट रेट ज़्यादा रहेगा तो आपके पास पैसा कम रहेगा, यानी कि आप लिक्विडिटी अपने पास कम रखेंगे। क्यों? क्योंकि अगर आपको रिटर्न ज़्यादा मिल रहा है तो आप इन्वेस्टमेंट बैंक में या मार्केट में या फ्यूचर में आप इन्वेस्टमेंट ज़्यादा करेंगे। फिर फ्रेंड होता है कि अगर इंटरेस्ट रेट और फॉल हो गया तो आप और लिक्विडिटी बढ़ाएंगे, और फॉल हो गया तो आप लिक्विडिटी बढ़ाएंगे। तो मेरा यहाँ सेंस ये है
कि आपके पास लिक्विडिटी कब ज़्यादा होगी, जब मार्केट में इंटरेस्ट रेट ज़्यादा होगा तो आपके पास लिक्विडिटी कम होगी, यानी कि जैसे जैसे इंटरेस्ट रेट हाई होगा तो लिक्विडिटी कम होगी, लिक्विडिटी ज़्यादा होगी, और इंटरेस्ट रेट हाई होगा तो लिक्विडिटी कम होगी। इसका मतलब क्या है फ्रेंड, इसका मतलब ये है कि अगर मार्केट में इंटरेस्ट रेट आपको ज़्यादा मिलता है तो आप पास अपने पास कैश नहीं रखेंगे, आप उसे कहाँ रखेंगे, बैंक में रखेंगे, डिपॉजिट करेंगे, बॉन्ड्स परचेज करेंगे, तो आपके पास लिक्विडिटी कम रहेगी, क्लियर। और अगर मार्केट में इंटरेस्ट रेट ज़्यादा नहीं मिल रहा है, फ्यूचर में आपका रिटर्न ज़्यादा नहीं मिल रहा है, तो आप पोर्टफोलियो में इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे, आप कहीं बॉन्ड्स नहीं परचेज करेंगे, आप अपने पास कैश रखना चाहेंगे। ये हमें कीन्जियन डिमांड फॉर मनी थ्योरी पढ़े थे। अब मैं इस थ्योरी को, कीन्स की थ्योरी को यहाँ पर अप्लाइड कर रहा हूँ, क्योंकि इसने कीन्स की थ्योरी का एक नया वर्जन दिया हुआ है। कीन्स सिर्फ यही बताता है कि मार्केट में स्पेकुलेटिव मोटिव की डिमांड के लिए बैंक जो है इंटरेस्ट रेट के साथ मनी के डिमांड का रिलेशन आर के साथ निगेटिव होता है, हमने इसको पढ़ा चुके थे। अब मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये चीज़ें कैसे समराइज करेंगे हम, बाकी चीज़ों कैसे समराइज करेंगे। तो देखो फ्रेंड, दो चीज़ समझ लेना, ये चीज़ हमने क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर मैंने बताया है कि जब बॉन्ड प्राइसेस हाई होता है फ्रेंड, जैसा हमारे फार्मूला होता है 100 प्लस पीबी अपान पीबी, ठीक है, और ये इंटरेस्ट रेट होता है। ये फार्मूले से ये निकालते हैं कि अगर फ्रेंड मान के लो बॉन्ड का प्राइस 90 है या बॉन्ड का प्राइस 95 है, तो जब बॉन्ड का प्राइस 90 है तो समथिंग कुछ निकलेगा 90 90, इसको जोड़ करें तो हमारे कहने मतलब कि अगर बॉन्ड के प्राइस की यहाँ पर 90 90 पुट करेंगे तो इंटरेस्ट रेट कुछ अलग आएगा, फिर अगर 95 पुट करेंगे तो इंटरेस्ट रेट कुछ अलग आएगा, एक में 12% के आसपास आएगा, एक में 5.3% आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि जब आपका बॉन्ड प्राइस लो है तो इंटरेस्ट रेट क्या होगा, ज़्यादा आएगा, क्या आएगा, ज़्यादा आएगा। तो यानी कि हम ये बताना चाहते हैं कि देयर इज इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन में, दोनों में क्या होता है, इनवर्स रिलेशन होता है। इनवर्स का मतलब होता है कि देखो अब हम पढ़ाते हैं आपको टोबिन्स का लिक्विडिटी प्रेफरेंस कर्व। ये क्या बताना चाहता है, ये बताना चाहता है कि एसेट्स डिमांड फॉर मनी, आप अपनी पास अपने पास कितना एसेट्स रखेंगे ये डिपेंड करेगा मार्केट में इंटरेस्ट रेट पे, ठीक है। मतलब कि अगर मार्केट में इंटरेस्ट रेट ज़्यादा है फ्रेंड, देखो अगर मार्केट में इंटरेस्ट रेट बहुत ज़्यादा है तो इसका मतलब है कि बॉन्ड प्राइसेस का रेट अभी कम है लेकिन रिटर्न ज़्यादा आ रहा है, जब रिटर्न ज़्यादा आ रहा है तो आप अपने पास एसेट्स क्या करेंगे, कम रखेंगे, यानी कि अपने वेल्थ का ज़्यादा से ज़्यादा आप रिस्क लेना चाहेंगे। क्यों रिस्क लेना चाहेंगे, क्योंकि इंटरेस्ट रेट ज़्यादा रहेगा, ठीक है, तो आप रिस्क लेना चाहेंगे, यानी कि आपके पास एसेट आपके पास कम रखेंगे। लेकिन दूसरे केस में होता है कि जब इंटरेस्ट रेट फॉल हो जाएगा तो आप अपने पास एसेट्स ज़्यादा रखेंगे, यानी कि हमने वही प्रूव किया फ्रेंड कि निगेटिव रिलेशन, कि जब हमारी इकोनॉमी में इंटरेस्ट रेट बहुत लो हो जाएगा, ठीक है, और फूड, ठीक है, हम ये बताना चाहते हैं आपको कि जब मार्केट में इंटरेस्ट रेट बहुत कम रहेगा तो आपके पास एसेट्स ज़्यादा रहेगी, यानी कि आपके पास कैश ज़्यादा रहेगा, आप पैसा नहीं लगाना चाहते बैंक में, ठीक है। लेकिन अगर इंटरेस्ट रेट ज़्यादा रहेगा तो आप अपने पास कैश कम रखेंगे, इसका मतलब आप बॉन्ड्स खरीद रहे हैं। तो दो चीज़ आया कि जब इंटरेस्ट रेट हाई रहेगा तो बॉन्ड का प्राइसेस लो रहेगा, क्या रहेगा, इंटरेस्ट रेट अगर हाई रहेगा तो बॉन्ड का प्राइस क्या हो रहेगा, लो रहेगा, जब बॉन्ड का प्राइस लो रहेगा इंटरेस्ट रेट हाई रहेगा तो आपके पास एसेट्स क्या होगा, कम रहेगा, ठीक है। यानी कि मार्केट में अगर एक्सपेक्टेशन है कि इन्फ्लेशन कम होगी और आपको लगता है कि बॉन्ड्स का जो एक्सपेक्टेड रिटर्न है बहुत ज़्यादा आने वाला है, यानी कि इंटरेस्ट रेट ज़्यादा आने वाला है, तो आप अपने पास एसेट्स कम रखेंगे, ज़्यादा ज़्यादा आप बॉन्ड्स परचेज करेंगे, इन्वेस्टमेंट करेंगे, ठीक है। इसी तरह से हम तीनों के साथ लिंक करके आपको बताते हैं कि
एसेट्स कितना रखेगा, उसके पास पोर्टफोलियो कितना रखेगा, यानी कि मार्केट में वो इन्वेस्टमेंट करके कितना रखेगा, वो डिपेंड करेगा उसके पर्सनल एटीट्यूड पे और उसका रिस्क लेना चाहता है या रिस्क नहीं लेना चाहता है, साथ साथ इंटरेस्ट रेट हाई है कि लो है, एक्सपेक्टेशन मार्केट में क्या है, उसके पास वेल्थ कितनी है, तो ये सब बातों पर डिपेंड करता है। साथ के साथ हमें ये भी बता देना है, तो हमारा कंक्लूजन क्या निकला फ्रेंड, हमारा कंक्लूजन ये निकला कि टोबिन्स की लिक्विडिटी थ्योरी यानी कि टोबिन्स का जो पोर्टफोलियो बैलेंस है, बैलेंस क्या कहना चाहता है, कितना बैलेंस रखेगा अपने पास, वो डिपेंड करेगा कई चीज़ों पर, ये इन चीज़ों पर डिपेंड करेगा, ठीक है। वो डिपेंड करेगा कि वो नैरो मनी रखना चाहता है या ब्रॉड मनी रखना चाहता है, और उस मनी को कहाँ वो स्टोर करना चाहता है, स्टोर का मतलब वो रिस्क लेना चाहता है या रिस्क रिटर्न के अकॉर्डिंग देखेगा। अगर रिस्क लेना चाहता है, इसका मतलब होता है कि वो एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन और इस चीज़ को एनालिसिस करके पैसा बैंक में लगा रहा है, जो मोर रिस्की है उससे ज़्यादा रिटर्न आएगा, जो रिस्क नहीं लेना चाहता है उसका रिटर्न नहीं आएगा। फाइनल कंक्लूजन आपको बताना चाहता है कि अगर हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट है, मार्केट में इंटरेस्ट रेट हाई है, तो डिमांड फॉर होल्डिंग मनी क्या है, लिक्विडिटी क्या होगी, कम होगी, लेकिन पोर्टफोलियो मतलब बॉन्ड प्राइसेस क्या होगा फ्रेंड, होल्ड मोर बॉन्ड्स, बॉन्ड को ज्यादा खरीदेगा। दूसरा होता कि अगर इंटरेस्ट रेट बहुत ही लो है, ठीक है, तो क्या होगा, वो मनी को अपने पास क्या करेगा, हाई लिक्विडिटी, यानी कि मनी को अगर इंटरेस्ट रेट कम होगा तो मनी को अपने पास ज़्यादा रखेगा, इसका मतलब है कि वो बॉन्ड को कम खरीद रहा है, ठीक है। तो फ्रेंड ये था टोबिन्स का पोर्टफोलियो थ्योरी, जिसमें हमने उन्होंने ये सिखाया कि मार्केट में कोई पर्सन इन्वेस्टमेंट करेगा, बॉन्ड्स परचेस करेगा नहीं करेगा, या किस चीज़ पर डिपेंड करता है, ठीक है। तो ये मेरा जो सिंपल थ्योरी थी कि आपको मनी की डिमांड कितनी है, कितना कैश रखेंगे और कितना आप डिपॉजिट करेंगे, इन्होंने एक नए तरीके से बताया। तो इन्होंने स्टोर ऑफ वैल्यू की बात किया है, जबकि किन्स ने लिक्विडिटी की बात किया है, कैम्ब्रिज ने मनी की वैल्यू की बात किया है, और जो है क्वांटिटी थ्योरी मनी ने मीडियम ऑफ एक्सचेंज की बात किया है। तो सब थ्योरी का अलग अलग कंक्लूजन था, लेकिन इसने पूरा ये बताया कि मनी कितना है, नैरो मनी, ब्रॉड मनी, यानी कि मनी सप्लाई की बात आ गई, मतलब हमारा कहना मतलब कि सारी थ्योरी को इसने कवर कर लिया है। तो फ्रेंड ये था आपका टोबिन्स पोर्टफोलियो बैलेंसेस अप्रोच थ्योरी। आई होप योर ऑल पॉइंट इज क्लियर। प्लीज़ इफ वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ सपोर्ट माई सब्सक्राइब एंड चैनल। थैंक यू माई डियर।